न्यूमेरिकल्स, पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इजी हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज एट व्हाट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। हमें स्पीड फाइंड करनी है एक ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा है एक सर्कल में जिसका रेडियस है 2 मीटर का और उसकी जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें फाइंड करनी है इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है। अब हमारे पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, फॉर्मूला क्या है, AC इज इक्वल टू V² / R। यहाँ से हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, हमें V चाहिए तो V² किसके इक्वल हो जाएगा, AC मल्टीप्लाइड बाय R। ये जो R है यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो V² इज इक्वल टू AC इंटू R। एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल किसके इक्वल है, 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो V² इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 19.6। अब चूंकि हमें सिर्फ v चाहिए, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम दोनों साइड्स पे ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट, जिससे हमारे पास सिर्फ v की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4.4427 मीटर्स पर सेकेंड। अ कार गोज राउंड अ कर्व एट 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो कि एक राउंड रोड से कर्व से गुजर रही है और इसकी स्पीड जो है दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। रेडियस जो है इस कर्व रोड का दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। हमें काउंट करनी है इसकी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, बहुत सिंपल। वेलोसिटी देखो मीटर पर सेकेंड अगर हमें दिया हुआ है इसका मतलब है हमें वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर्स पर सेकेंड। रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज 50 मीटर और हमें फाइंड करनी है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। वेरी सिंपल, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, V² / R। वी है हमारे पास 20, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे और आर है हमारे पास 50। सो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 का जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 400 डिवाइडेड बाय 50, दैट विल गिव अस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।